दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में 15 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की फाइनल कॉज लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मुलाकात की महत्वपूर्ण जानकारी, याची लाभ और प्रपोजल SG मैम को मिला या नहीं मिला, इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले को 15 मई के लिए लिस्टेड किया गया है और 15 मई की सुनवाई के लिए फाइनल काज लिस्ट जारी हो चुकी है। तो बात करते हैं कि फाइनल काज लिस्ट आने के बाद में 12,460 शिक्षक भर्ती मामला कितने नंबर पर सुना जाएगा और कितने बजे टेकअप होगा सुनवाई के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो 15 मई की सुनवाई के लिए मेन कॉज लिस्ट आई थी उसमें अपना मामला 115 नंबर पर लिस्टेड था। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि मेन कॉज लिस्ट जो आई थी वो उसके अंतर्गत अपना मामला जो है वो 15 नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड है। लेकिन हमने कल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो है मेन कॉज लिस्ट में 15वें नंबर पर लिस्टेड है सुनवाई के लिए, लेकिन सुनवाई से 1 से 2 दिन पहले एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आएगी और उसमें कितने केसेस होंगे उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा कि हमारा मामला कितने नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। तो कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 मई की सुनवाई के लिए सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई जिसमें कुल 12 केस जो हैं वो मेंशन होकर के आए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेन कॉज लिस्ट से पहले सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के केसेस को टेकअप किया जाता है सुनवाई के लिए। और ऐसे में अब आप सभी साथियों को बता दें कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के 12 केस और अपना जो है 15 नंबर पर केस लिस्टेड है, इस तरीके से देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला 27वें नंबर पर सुनवाई के लिए टेकअप होगा। तो कुल मिलाकर के अपना मामला अब देखा जाए तो फाइनल काज लिस्ट के अकॉर्डिंग 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मुद्दा है वो 27वें नंबर पर सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 9 में लिस्टेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मई की सुनवाई के लिए जो कोर्ट नंबर 9 में बेंच बैठने वाली है जेके माहेश्वरी सर की और संजय करोल सर की, वो 3:25 तक ही बैठेगी यानी 1 घंटा कम बैठने वाली है। और इसका कारण हमने बताया था कि संजय करोल सर अगले किसी केस में 3:30 के बाद से बैठने वाले हैं कोर्ट नंबर 7 में, इसलिए ये कोर्ट जल्दी उठ जाएगी। और इसी बात को लेकर के अभ्यर्थियों में एक डाउट है कि मामला अपना 27 नंबर पर सुना जाएगा, ऐसे में अपना मामला सुनवाई के लिए टेकअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और हो पाएगा तो कितने बजे होगा। दोस्तों आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 15 मई की सुनवाई को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है, सुनवाई बिल्कुल कंफर्म है, सुनवाई होगी। और केस कितने बजे टेकअप होगा तो आप सभी साथियों को बता दें अपना केस जिस तरीके से पिछली बार हमने बताया था उसी तरीके से आप सभी को बता दें लंच के अराउंड ही टेकअप होगा सुनवाई के लिए। अगर आप सभी को बता दें लंच के पहले जो है केस सुनवाई के चांसेस जो है वो मात्र 15% ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार सप्लीमेंट्री जो कॉज लिस्ट आई उसमें 12 केस मेंशन होकर के आए हैं और पिछली वाली जो सप्लीमेंट्री सुनवाई की कॉज लिस्ट थी 9 मई की उसमें केवल 6 केस थे और इसलिए अपना मामला लंच से पहले टेकअप हो गया था। और आप सभी को बता दें 85% चांसेस हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लंच के बाद टेकअप होगा, लेकिन टेकअप होगा, सुनवाई होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई बहस नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सर केवल और केवल सरकार को अपना प्रपोजल सबमिट करना है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था पटवालिया सर को जो अर्चना राय की अपील पर पक्ष रख रहे थे कि हम आपको सुने बिना कोई भी डिसीजन नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के सुनवाई होगी और बहस भी होगी, पटवालिया सर को कोर्ट सुनेगी और उसके बाद सरकार के प्रपोजल पर डिस्कशन किया जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि पटवालिया सर जो है कहीं ना कहीं अगली डेट लेने के फिराक में रहेंगे और पूरा जोड़ जुगाड़ लगाएंगे अगली डेट लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बार हमने अगली डेट ली तो सीधे से जुलाई में ही मामले को खींच कर पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर के पटवालिया सर का प्रयास ये रहेगा क्योंकि वो जानते हैं कि कोर्ट मामले को शॉर्ट आउट करना चाहती और वो मामले को लंबा खींचना चाहते हैं, ऐसे में उनकी तरफ से डेट लेने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सभी चयनित टीमों से निवेदन है कि आप अपने अधिवक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में बेहतर ब्रीफिंग प्रक्रिया के साथ उतारें जिससे जैसे ही पटवालिया सर की तरफ से अगर डेट लेने का प्रयत्न किया जाता है पुरजोर तरीके से उसका अपोज किया जाए कि डेट ना ली जाए, सरकार की तरफ से अगर प्रपोजल आ गया है तो उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग मामले को डिसाइड किया जाए और जल्द से जल्द निस्तारित कर दिया जाए जिससे जो शिक्षा प्रभावित हो रही है बच्चों की
वो प्रभावित ना हो और नियुक्ति पत्र प्राप्त अध्यापक जो है वो अपने स्कूल अलॉटमेंट के तहत विद्यालय में पहुंच जाए अध्यापक के रूप में। तो कुल मिलाकर के सभी पॉइंट पे नजर रखना होगा क्योंकि मामला फाइनल निस्तारण के लिए लगा हुआ है। अब जरा सी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं आप सभी को भारी पड़ सकती है। सभी साथियों से निवेदन है कि आप जिस भी टीम से जुड़े हैं उस टीम का सहयोग अगर वो आपसे मांग रही है अधिवक्ता खड़ा करने के लिए 15 तारीख में, तो आप उस टीम को जरूर सपोर्ट करें। जिससे अधिवक्ता होंगे तो आप सभी का पक्ष मजबूत रहेगा। ऐसा ना सोचे कि सरकार जो है प्रपोजल लेकर के आ रही, मामला बिल्कुल फाइनल होने जा रहा है, अब हमको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक चूक आप सभी को बहुत लंबा जो है आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में अब फाइनल स्टेज पे आकर के हम लोगों को कोई लापरवाही यहाँ पे नहीं बरतनी है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है मामले की वो किस नंबर पर लिस्टेड है और कितने बजे केस टेकअप होगा, सारी जानकारी डिस्कस कर दी। वहीं आप सभी को बता दें कुछ साथियों के मन में क्वायरी है कि 9 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश कब आएगा। दोस्तों अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 मई की सुनवाई के लिए आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि अभी देर शाम तक आप सभी कि 9 मई की सुनवाई का आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज देर शाम तक आर्डर अपलोड नहीं होता है तो कल हर हाल में 9 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आर्डर आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम प्रपोजल लेकर के आने वाली है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल करके, खासकर उनके लिए जो अचयनित है उनके लिए जो प्रपोजल आ रहा है उसको लेकर के जो सोशल मीडिया पे लूट मची हुई है उसको लेकर के आप सभी साथियों को आगाह करना चाहेंगे। जिस तरीके से याची बनाया जा रहा है वास्तव में अब याची बनाने का कोई फायदा नहीं, ये केवल और केवल एक गोरख धंधा चलाया जा रहा है पैसा कमाने के लिए और हमारे साथी जो अचयनित हैं उनको केवल और केवल परेशान किया जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दें अभी सरकार प्रपोजल लेकर के आई नहीं है, उसका प्रपोजल अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए आप सभी लोग ये नहीं कह सकते हैं कि याची लाभ ही मिलेगा। सरकार अपने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रपोजल रख सकते हैं जिसमें थर्ड काउंसलिंग के प्रावधान पर भी डिस्कशन किया जा सकता है, जिससे मेरिटोरियस जो अभ्यर्थी हैं जो जिनका कुछ ही पॉइंट से चयन रुका है उनका चयन जो है वो हो सकता है भर्ती में। और आप सभी लोग जानते हैं मेरिटोरियस कैंडिडेट को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं, तो ऐसे में अभी जो याची लाभ के नाम पर लूट मची हुई है उससे आप सभी लोग बचें और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के प्रपोजल का इंतजार करें। फिलहाल याची लाभ भी होता है तो केवल और केवल उन्हीं को याची लाभ दिया जाएगा जो 9 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर याची के रूप में नॉमिनेटेड है उन्हीं को केवल मिलने वाला है। तो याची लाभ के नाम पे जो लूट मची उससे सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। और कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें फिलहाल अभी 15 मई की सुनवाई के लिए आप सभी लोग बेहतर तैयारी करें। वहीं आप सभी लोगों को बता दें एक और प्रश्न है कि प्रपोजल एसजी मैम को बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मिला कि नहीं मिला। दोस्तों कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो ऐश्वर्या भाटी मैम को मेल कर दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं विभाग की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम को मेल कर दी गई हैं 15 मई की सुनवाई के लिए, लेकिन फाइनली जो प्रपोजल सबमिट करना है वो अभी ऐश्वर्या भाटी मैम के पास नहीं पहुंचा है, ऐसी जानकारी विभागीय अधिकारियों से निकल कर सामने आ रही है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, 15 मई में सरकार की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया जाएगा ये कन्फर्म जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बशर्ते कोई गलत चीजें निकल कर सामने ना आए और जो प्रपोजल सरकार लेकर के आ रही है उसमें अगर मैक्सिमम साथियों का जो है समायोजन हो रहा है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जिससे मामला सॉर्ट आउट हो सके और 12460 शिक्षक भर्ती के विवादों का अंत हो सके और भर्ती प्रक्रिया क्लोज हो सके, जो वर्षों का संघर्ष आप सभी का है वो एक रिजल्ट के रूप में परिणित हो सके। तो कुल मिलाकर के फाइनल प्रपोजल जो है अभी एसजी मैम के पास उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ डिस्कस किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से। वहीं अब बात कर लेते हैं 15 मई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, प्रपोजल तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जो आज मुलाकात साथियों की तरफ से की गई उससे जुड़ी हुई क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी शेयर की गई वो आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे कुछ 12460 शिक्षक भर्ती के साथी हैं जिन्होंने आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मुलाकात कर 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों को लेकर के निवेदन किया है। क्या अपडेट है सचिव सर से मुलाकात की उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आज बेसिक शिक्षा परिषद सचिव श्री सुरेंद्र तिवारी सर से देवेश पांडे, अर्जुन कनौजिया और विजय पांडे की मुलाकात हुई, जिसमें कल के कॉन्फ्रेंसिंग और आज के दोनों मीटिंग जो 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित
हुआ जो बहुत ही सार्थक रहा, सरकार का साथ पूरी तरीके से है, इसे पूर्ण करवाना है और इसके लिए सचिव सर हर तरफ से तत्पर हैं। कोई भी साथी किसी के पोस्ट से विचलित ना हो, जो कोर्ट में है अपना काम ईमानदारी से करें तो 15 मई 2024 को अपनी भर्ती का पूरी तरीके से निपटारा हो जाएगा। बाकी ईश्वर पर भरोसा रखिए, समय और सरकार दोनों आपके साथ हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मुलाकात अभ्यर्थियों की तरफ से की गई, उसे ये क्लियर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो है वो आप सभी के मामले को सॉर्ट आउट करना चाह रहा, और इसके लिए वो आप सभी के साथ में मिलकर के एक बेहतर जो प्रपोजल है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगा। सचिव साहब की बातों में वास्तविकता होगी, 15 मई को सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और कुल मिलाकर के कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सर क्या 15 मई की सुनवाई के बाद 15 मई को आदेश आएगा या आदेश के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी साथियों को अवगत करा दें, अगर सरकार के प्रपोजल की बात करें और सरकार के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है सभी पार्टीज के द्वारा, तो फाइनल आदेश भी 15 मई की सुनवाई के बाद जो है वो जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सरकार का प्रपोजल अगर एक्सेप्ट नहीं होता है और चीजें जो आउट ऑफ लिमिट जा करके यानी मुद्दे से हट करके चीजों पर डिस्कशन कोर्ट में शुरू होगा तो मामला बहुत विपरीत हो सकता है, जिसका खामियाजा सभी चयनितों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी चीज पर रूल सर्कुलर किसी भी चीज पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं, 12460 शिक्षक भर्ती के मुद्दे का समाधान चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐश्वर्या भाटी मैम को मेडिएटर के रूप में एक प्रपोजल तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी है। अब वो प्रपोजल क्या होता है, क्या याची लाभ मिलेगा, या थर्ड काउंसलिंग करा करके मेरिटोरियस स्टूडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी प्रपोजल के माध्यम से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी 15 मई की सुनवाई की तरफ से, जब सरकार और विभाग का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पब्लिक डोमेन में आएगा। तो देख लेना होगा ये कि सरकार की मंशा क्या है 12460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। कुल मिलाकर के 12460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।